भाई जो पहली इनकम होती है ना लाइफ में वो इतनी बड़ी चीज़ होती है, इतनी बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो जॉब में हो, सैलरी हो पहली, या फिर यूट्यूब की मनी से हो, या फिर अपने बिजनेस से हो। मतलब पहली इनकम की ना भाई बात ही अलग होती है, ज़िंदगी भर याद रहती है वो चीज़ कि हाँ हमारे उस टाइम पे पहली इनकम इतने रुपए आई थी। तो भाई आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी जो फर्स्ट इनकम आई ना यूट्यूब से वो कितनी आई है। तो वीडियो में बने रहना एंड तक, बिल्कुल स्किप मत करना, बिल्कुल सारी चीज़ें बताऊंगा आपको खोल के कि भाई कैसे मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया, कैसे ग्रो हुआ, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अभी तक, और कैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आई। तो वीडियो को स्किप मत करना बिल्कुल भी, पूरी वीडियो देखना। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी ही जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब कोई इंसान मेहनत करता है ना और उस मेहनत का फल मिलता है आपको, मेहनत भी ऐसी वैसी नहीं, कहीं मतलब एक साल से डेढ़ साल से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है किसी चीज़ के लिए और उसके बाद उसका जाके फल मिलता है ना भाई, अलग ही खुशी होती है उस चीज़ की। ऐसा ही हुआ है मेरे साथ, मेरी फर्स्ट इनकम आ गई है यूट्यूब की और भाई डेढ़ साल से भी ज़्यादा का टाइम लग गया इस चीज़ को होने में। सारी चीज़ें बताऊंगा आज की वीडियो में आप लोगों से कि कैसे मेरा चैनल ग्रो हुआ, कितना टाइम लगा ग्रो होने के बाद, फिर कैसे मोनेटाइज हुआ, कैसे मेरी फर्स्ट पेमेंट आई और कितनी आई। सबसे ज़रूरी बात है कि कितनी आई। तो भाई सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो भाई इसकी शुरुआत हुई थी 2021 से, 2021 जुलाई से इसकी शुरुआत हुई थी। पहली वीडियो मैंने बनाई थी जुलाई 2021 में। जो मैंने पहली वीडियो डाली थी वो एक मोबाइल का ही रिव्यू किया था मैंने, और बिना फेस दिखाए उसका रिव्यू किया था, वॉइस ओवर करके बस, खाली फोटो ऐड करके। भाई उस टाइम तो वॉइस ओवर करने में भी मतलब हालत खराब हो जाती थी कि कितनी झिझक होती थी इस चीज में कि यार कैसे बोलूं कैसे नहीं बोलूं, लोग मजाक लेंगे। बट अगर आप लोगों को कुछ करना है ना लाइफ में तो भाई इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो, क्योंकि भाई आज जो लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं ना, कल वही लोग खड़े होकर आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो भाई मैं वीडियो डालता रहा बहुत सारी वीडियो, उसके बाद थोड़े बहुत व्यू आते थे, किसी पे 100 व्यू आ गए, 50 व्यू आ गए, 30 व्यू आ गए, 10 व्यू आ गए, किसी किसी पे तो 5 ही व्यू आते थे डालता रहा। बट ये है कि मैंने कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी भाई कि हाँ काम करना है तो करना है। डालता रहा वीडियो 10 वीडियो, 15 वीडियो, 20 वीडियो, 30 वीडियो, 40 वीडियो। कुछ वीडियो होने के बाद ना फिर मैंने सोचा कि फाइनली फेस लेके आते हैं, फेस दिखाते हैं, फेस के साथ ही वीडियो बनाते हैं सारी। तो भाई स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी फेस में बात करने में, उस कैमरे के सामने खड़े होने में भी दिक्कत होती थी कि भाई कैसे बोलूँ कैसे नहीं बोलूँ, अटक अटक के बोलना था। अब चाहे तो जाके देख सकते हो मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी ना फेस के साथ, वो कैसी थी, मतलब किस तरीके से मैं बोल रहा था। धीरे धीरे करके भाई थोड़ा थोड़ा चेंजेज आता रहा, इंप्रूव होती रही क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव होती रही, बोलने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव होता रहा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता रहा बोलते बोलते। और एक चीज़ है भाई देखो, अगर आप लोग वीडियो बना रहे हो ना, भले ही आपका चैनल ग्रो हो या ना हो, बट आपका कम्युनिकेशन स्किल और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर बढ़ जाएगा। बात तो सही है। तो भाई बस मैं वीडियो बनाता रहा। पहले तो कुछ भी नहीं था, मोबाइल से बना के डालता था वीडियो, बनाता तो अभी भी मोबाइल से ही हूँ, बट तब तो एडिटिंग भी मोबाइल से ही करता था। तो हल्की मल्की सी एडिटिंग सीखी यूट्यूब पे देख देख के वीडियोस की, कैसे एडिट कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, कैसे वॉइस रिकॉर्ड कर सकते, कैसे कट करके भाई कैसे सारी वीडियो मतलब एडिट कर सकते हैं। धीरे धीरे सीखता रहा, जैसे जैसे सीखता रहा भाई थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहा उसके स्किल, जैसे जैसे वीडियोस देख देख के करता रहा काम, तो धीरे धीरे स्किल भी इंप्रूव होता रहा उस चीज का। और भाई सबसे बड़ी चीज इसमें पता है मेरी क्या थी, मुझे इंटरेस्ट था इस चीज में, मतलब बिल्कुल मैं बोर नहीं होता था। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तक एडिटिंग करते रहूं, मैं बिल्कुल बोर नहीं होता था इस चीज में। ये आपके अंदर सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए। अब भाई इंटरेस्ट तो है नहीं है, काम करने का मन तो है नहीं है, और बनना है यूट्यूबर तो बताओ फिर कैसे बन पाओगे आप। तो भाई इंटरेस्ट तो बिल्कुल है नहीं वीडियो बनाने में, वीडियो एडिटिंग करने में। ऐसा तो है नहीं कि 2 मिनट में चुटकी बजाई और एकदम वीडियो भी बन गई और दूसरी चुटकी बजाई और वीडियो एडिट हो गई। भाई टाइम देना पड़ता है इन चीज़ों में, इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोग सोचते हो कि हाँ बस वीडियो डाल के बन जाऊंगा यूट्यूबर, ऐसा नहीं है भाई, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पूरा। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है ना तभी आप जाओ। इसीलिए कहते हैं कि जो नीश होता है ना वही नीश पकड़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। टेक में इंटरेस्टेड हो तो टेक का नीश पकड़ो, ब्लॉगिंग में जाना चाहते हो ब्लॉग बनाओ, जो भी है आपका, फाइनेंस में जाना है, यूट्यूब टिप्स देने, जो आपका इंटरेस्ट है जो आपको अच्छा लगता है उसमें जाओ। तो भाई मुझे इंटरेस्ट था तो मैं वीडियो बनाता रहा अपलोड करता रहा धीरे धीरे करके। भाई किसी पे क्या बहुत कम वीडियोस, 2 या 3 ही वीडियोस ऐसी थी जिसपे 1,000 1,500 2,000 व्यू आए थे, नहीं तो वही 100 150 200 400 मैक्सिमम इतने व्यू आते थे। बट ये है कि मैंने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी भाई। फिर उसके बाद एक वीडियो डाली मैंने इन्फिनिक्स के मोबाइल की, इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो की। भाई उसने ऐसी स्पीड पकड़ी, ये अक्टूबर में मैंने डाली थी और अक्टूबर में ही मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो गया, मेरे 1,000 सब्सक्राइबर भी हो गए, मेरे 4,000 घंटे का उस टाइम भी पूरा हो गया। मतलब एक ही वीडियो ना पूरा काम कर दिया। उसके बाद तो ये है कि फिर 1-2 वीडियो चली नहीं चली, फिर उसके बाद तो ग्रो होता रहा चैनल। आदमी सोचता है ना यार कब होगा, भाई जब होना होता ना एक ही वीडियो आपका सारा काम कर देती है। और ये नहीं है कि सिर्फ मोनेटाइज हो गया बस, उसके बाद भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो भाई चैनल मोनेटाइज हो गया, सेम डे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद मैंने अप्लाई किया फिर गूगल एडसेंस पिन के लिए,
पिन के लिए भी मुझे 2-3 महीने रुकना पड़ा भाई, 3 महीने लगाए उन्होंने पूरे। 3 महीने के बाद फाइनली एडसेंस का पिन भी आ गया और भाई फाइनली अभी लास्ट मंथ में मेरे जो फर्स्ट पेमेंट है ना वो आया है, मतलब कि जनवरी लास्ट में पेमेंट आया है जो मेरा फर्स्ट पेमेंट है। और भाई अगर बात करेंगे कितना पेमेंट आया है, मेरा फर्स्ट जो पेमेंट है मेरा यूट्यूब से वो कितना आया है, और ये सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस से ही आया है। जितने का एक इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो का प्राइस है ना उसके आसपास ही समझ सकते हो कि हाँ उतने पेमेंट आया है मेरा उसके आसपास ही। भाई देखो रिवील तो कर नहीं सकते, एग्जैक्ट पेमेंट तो बता नहीं सकता हूँ, बट हाँ आइडिया दे सकता हूँ आप लोगों को कि एक इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो के आसपास का पेमेंट मेरा आ गया है जो पहला पेमेंट था। और ये 3 महीनों का पूरा पेमेंट था मेरा, 3 महीने पहले मतलब भाई जब $10 हो गए थे उसके बाद मैंने एडसेंस के लिए अप्लाई किया, तो 3 महीने में मेरा जितना पैसा बना है वो पूरा का पूरा 3 महीने का पैसा था। आप लोगों को पता ही है जब $100 से ज़्यादा हो जाते हैं तभी आप लोग के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो भाई बस यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को बनना है ना यूट्यूबर, कुछ करना है तो भाई लगे रहो। देखो ये मत सोचो कि आज नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, मुझे 1.5 साल से ऊपर लग गया सिर्फ चैनल मोनेटाइज करने में। बट जो चीज़ें धीरे धीरे होती है ना वो फिर ऐसे ही चलती जाती है, जो एकदम से उड़ता है ना वो एकदम से फिर गिर भी जाता है। और एक सबसे बड़ी बात है कि कोशिश करो कि जितना ज़्यादा हो सके ना बिल्कुल जो सही है ना चीज़ें वही आप लोग दिखाओ अपने वीडियोस में। मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ अपने वीडियोस में कि कोई भी गलत जानकारी ना दूं मैं लोगों को, कुछ भी ऐसा ना हो कि भाई जो गलत हो और मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी कोशिश मेरी यही रहती है भाई हर वीडियो में। तो भाई बस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आप थोड़ा सा भी इससे मोटिवेट हुए होगे ना इस वीडियो से तो भाई मेरी देखो वीडियो बनाने का मेरा मकसद था ना जो वो सफल हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, कैसा आपका फीडबैक है इसको लेकर के, अच्छा है बुरा है जो भी है, जो भी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और आप लोग जानते हैं मैं मोस्टली सारे ही कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ आपका जो भी फीडबैक है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।